हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेला के गेम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। इसका रिव्यू जो है पहले मैं कर चुकी हूँ, उसमें ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेरीज आई हुई है, इसके लिए बहुत सारे ऐसे डाउट्स है ये क्रीम को लेके। तो फ्रेंड जो भी मैं प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ ना, उसमें ज़्यादातर सारे डाउट जो है क्लियर कर देती हूँ। कब लगाना है, कैसे लगाना है, किस टाइप के स्किन के लिए सेफ है प्रोडक्ट एंड किस टाइप की स्किन के लिए बने हुए हैं प्रोडक्ट, तो ऐसे सारे डाउट्स जो हैं ज़्यादातर मैं क्लियर कर देती हूँ। फिर भी आप में से ऐसे बहुत जन है जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, फिर उनके मन में कुछ डाउट्स रह जाता है। सो आज की वीडियो आप पूरा देखिए एंड मैं आज आपको मेलाकेयर क्रीम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगी जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और आपके ही क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूं तो आज की वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बटन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी न्यू वीडियो के अपडेट आपके पास पहुँच रहे। तो सो फ्रेंड्स, मोस्टली ये क्वेश्चन रहता है कि क्या मेलाकेयर क्रीम को बच्चे के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, ये क्रीम में ही नहीं बल्कि ऐसे और भी क्रीम में जो है ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। सो फ्रेंड, बच्चे का स्किन में है जो है बहुत ज़्यादा नाजुक रहता है, बच्चों का ही नहीं टीनेज का भी, उनके लिए भी ये क्रीम नहीं है, मेला के लिए नहीं बल्कि और भी जो मेडिकेटेड क्रीम वगैरह जो रहती है बच्चों का या फिर टीनेज के लिए यूज़ करना सही नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हम मेला के क्रीम को एज अ रेगुलर क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, इसका स्किन पर जो है परमानेंट यूज़ करना ठीक नहीं है। ये बेसिकली मेलाज्मा हाइपरपिगमेंटेशन के लिए बनी हुई क्रीम है, बहुत लोग इसे फेयरनेस के लिए भी यूज़ करते हैं नो डाउट, बट इसका रिजल्ट जो है शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। जब तक आप इसे यूज़ करोगे रिजल्ट रहेगा, जैसे ही छोड़ोगे रिजल्ट जो है चला जाएगा, एंड परमानेंट यूज करना चालू कर भी दोगे तो एक समय के बाद जो है ये अपना काम करना बंद कर देती है, ठीक है। तो प्लस स्किन को भी सेंसिटिव बना देती है, एंड इसको जो है ओनली नाइट में यूज़ करना है, डे टाइम में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। प्लस डे टाइम में बाहर जाने से जो है स्किन को प्रोटेक्ट करके रखना है, चाहे आप ये दुपट्टे से अपने फेस को कवर कर लो या छत्ता से, बेस्ट ऑप्शन है सनस्क्रीन, ठीक है। तो अच्छा, मैं बताती हूँ मेलाकेयर क्रीम को कितने दिन तक यूज कर सकते हैं। तो इसे आप 4 हफ्ते तक यूज कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए, एकदम से नहीं छोड़ना है। जैसे कि 4 हफ्ते यूज कर लिए, 5वां हफ्ता जब आपका स्टार्ट होगा तो फर्स्ट हफ्ते में जो है 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाएं, दूसरे हफ्ते में जो है 2 दिन छोड़ के 1 दिन लगाएं। इस उस दौरान जो है आप अपने फेस पर जो है DIY फेस पैक वगैरह भी यूज कर सकते हैं, फ्रूट्स मसाज कीजिए, फेस पर दही वगैरह लगा सकते हैं। ऐसा करने से क्या है कि स्किन जो है डल नहीं होगी, प्लस से ये क्रीम की आदत भी जो है धीरे धीरे करके छूट जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है कोई भी हर्बल क्रीम का आदत बिठा सकते हो। तो फ्रेंड, कोई भी ट्रीटमेंट करो अपने फेस के लिए, एक बात की ध्यान जरूर रखनी चाहिए आपको, पानी का इंटेक जो है प्रॉपर होना चाहिए, तला भुना कम खाना चाहिए, हो सके तो फ्रूट सैलड वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, घर का खाना खाइए। ऐसी छोटी छोटी आदत जो है हमारे स्किन के लिए अच्छी होती है, हमारी स्किन ग्लो करता है, चेहरे पर पिगमेंटेशन में लाजमा वगैरह जो है रिड्यूस होने में हेल्प मिलता है, ठीक है। सो फ्रेंड, अगर आपने ये वीडियो को पूरी देख ली है तो एक बार फिर मैं शॉर्टकट में मेलाकेयर क्रीम को यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ। इसको ओनली नाइट में यूज़ करना है एंड एकदम से थोड़ी सी क्रीम लेनी है, प्लस जहाँ जहाँ आपके पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा वगैरह है, वहीं वहीं आपको यूज करना है। अगर आपके फेस पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और आप फेयरनेस के लिए यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए ये क्रीम सेफ नहीं है, ठीक है। और इसको 4 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, अगर करना भी पड़े तो 20 में आपको गैप देना है, गैप देके फिर से आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लस से 20-22 के बाद ही ये क्रीम को यूज़ करना है, उससे छोटे के लिए ये क्रीम नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको यूज़ करने से पहले एक बार अपने डॉर्मो से कंसल्ट जरूर कर ले, या फिर अपने फेस पर अप्लाई करने से पहले पैस्चर जरूर ले ले। अगर आपके स्किन पर सूट नहीं हो रहा है, स्किन पर खुजली आ रही है, स्किन रेड रेड हो जा रहा है तो अपने फेस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, ठीक है। सो फ्रेंड, यही थी मेरी आज की रिव्यू, उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, फ्रेंड और फैमिली से जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और प्रोडक्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।